नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसका नाम है हनीमून, जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये कहानी में एक कपल है जिनके अंदर हवस कूट कूट कर भरी हुई है, और ये इसे शांत करने के लिए क्या क्या करेंगे हम इस एक्सप्लेनेशन में आगे देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हम पोल और बी को देखते हैं जो अपना हनीमून प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी नई नई शादी हुई है। अब वो दोनों हनीमून मनाने बी के फैमिली कैंप में जाते हैं, जहां रात होती है वो दोनों टपाटप करके सो जाते हैं। अब दोनों सो रहे होते हैं तब उन पर एक लाइट पड़ती है, पर वो तो घोड़ा बेचकर सो रहे थे। अब अगले दिन दोनों एक आइलैंड पर जाते हैं और वापस आकर साथ साथ नहाते हैं और बॉट टब में ही टपाटप करने लगते हैं। अब इसके बाद दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ बी के बचपन का दोस्त बेली मिलता है। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी बेली की वाइफ एनी वहाँ आती है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलती है। अब खाना खाने के बाद दोनों रात को सो रहे होते हैं तब पोल और बी की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और वो दोनों बिना कुछ किए सो जाते हैं। अब रात को 3 बजे सभी लाइट फ्लैश करने लगती है और पोल की नींद टूट जाती है और वह भी बी के साथ टपटप करना चाहता है, पर बी नींद में थी इसलिए मना कर देती है। अब पोल को लगता है कि सुबह हो गई है और वह फिशिंग के लिए जाने लगता है, पर यह क्या, घड़ी में तो 12 ही बज रहे थे। अब वह वापस सोने जाता है तो देखता है कि बी वहाँ नहीं है। अब वह उसे खोजने जंगल में जाता है। कुछ देर खोजने के बाद बी मिलती है, जहाँ बी एक भी कपड़ा नहीं पहने हुई थी। अब बी को अपनी शर्ट पहनाकर वह वापस ले आता है। पोल पूछता है, तुम जंगल में कैसे चली गई थी? बी बोलती है, शायद नींद में मैं वहाँ चली गई थी। इस घटना के बाद बी का बिहेवियर काफ़ी बदल जाता है। अब अगले दिन बी के थाई पर एक निशान दिखता है। पोल इस निशान के बारे में पूछता है तो वह बताती है, शायद किसी मच्छर ने काटा होगा। पोल को यकीन नहीं होता है और वो छानबीन करने उसी जगह जाता है जहाँ कल रात वह बी से मिला था। अब उसे वहाँ पुरानी कटी हुई ड्रेस मिलती है जिसमें अजीब सी चिपचिपी चीज़ लगी हुई थी। अब वापस आकर वह उस ड्रेस के बारे में भी पूछता है। वो बी से कहती है, ड्रेस पुरानी हो गई थी इसलिए मैंने उसे फेंक दिया था। इसके बाद पोल देखता है कि बी अपने आप से बातें कर रही है और एक गेम खेलते खेलते दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बी का बिहेवियर बदल जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। अब पोल को शक होने लगता है कि बी का अफेयर उसके दोस्त बिल के साथ चल रहा है। अब दूसरे सीन में हम बी को देखते हैं कि वह डायरी में कुछ लिख रही है। वह लिखती है कि मेरा नाम बी है और मेरे पति का नाम पोल है, और जैसे ही पोल वहाँ आता है वह डायरी बंद कर देती है। अब अगले सीन में दोनों फिशिंग करने जाते हैं, तभी बोट पर पोल बी के साथ टपाटप करने की कोशिश करता है, पर तभी बी के पार्ट से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख पोल बी को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, पर बी कहती है सब नॉर्मल है, यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पोल बहुत गुस्सा होता है और उसका शक हकीकत में बदलने लगता है कि उसका अफेयर कहीं तो है। अब पोल बी को लेकर बिल के पास जाता है, पर वहाँ उसकी वाइफ होती है। पोल देखता है एनी भी वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे कि बी कर रही थी, और उसके भी पार्ट से ब्लड आ रहा था। पोल उससे पूछने की कोशिश करता है, पर एनी कोई जवाब नहीं देती है और कहती है हम यहाँ पर सेफ नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। अब बिली के न रहने पर वह उसके कमरे में जाता है और वहाँ भी लाइट फ्लैश कर रही होती है। वह कंप्यूटर पर CCTV फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है एनी भी रात को कहीं गई थी, लेकिन तभी कंप्यूटर बंद हो जाता है और पोल को एक परछाई दिखती है। अब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें एनी और बी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब पोल वापस आकर कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है और बी को चलने को कहता है, पर बी की पोल से फिर लड़ाई हो जाती है और वह बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब पोल बाथरूम के अंदर आता है तो देखता है बी किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। अब पोल उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बेड से बांध देता है। इसके बाद वो बी से पूछता है हम पहली बार कब मिले थे, पर बी को कुछ याद नहीं था। अब कुछ देर बाद पोल बी के पार्ट में हाथ डाल देता है तो वहाँ से बहुत अजीब सा क्रिएचर निकलता है, और अब वह डर के मारे बी को खोल कर बाहर आ जाता है।
अभी पोल को बताती है। उस रात वो सफ़ेद लाइट का पीछा करते हुए जंगल में चली गई थी क्योंकि उसे सफ़ेद लाइट ने हिप्नोटाइज कर दिया था और उसे एक अजीब सी परछाई दिखी और उन लोगों ने उसे पकड़कर एक अजीब सा क्रिएचर उसके अंदर डाल दिया और कहा कि कुछ दिनों के बाद वो उसे लेने आ जाएंगे। बी ये सब इसलिए कर रही थी कि पोल को कोई नुकसान न पहुँचे। पोल उसे समझाने की कोशिश करता है पर तभी सफ़ेद लाइट जलती है और बी बोलती है अब मुझे जाना होगा और पोल के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब पोल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि बी उसे बोट पर लेकर कहीं जा रही है। तभी वो पोल से बोलती है कि तुम पानी के नीचे सेफ हो और उसे किसी भारी चीज़ से बांधकर पानी में फेंक देती है। इसके बाद हम बी को देखते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया है और तभी एनी भी उसके घर आती है जो कि बी की तरह ही बन गई थी। इसके बाद दोनों को सफ़ेद लाइट फिर दिखती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।